नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पे सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे आज हम लोग जानेंगे कि जल का संग्रह कैसे किया जाता है, तो उसके संबंध में ये हाई स्कूल के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के अंतर्गत, जिसमें हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत हम जल संग्रहण क्या होता है, तो जल का संग्रहण कैसे किया जाता है, और जल संग्रहण किन किन राज्यों में किया जाता है, और जल संग्रहण करना क्यों आवश्यक है, और ये किस राज्यों में कानूनी आधिकारिक रूप में जल संग्रहण किया जाता है, तो उसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले जल संग्रहण क्या होता है, देखिएगा जल संग्रहण क्या होता है। जैसे जल का एकत्रित करना या जल का इकट्ठा करना, तो उसे क्या कहलाता है, जो भविष्य रूप में जल संग्रहण वह कहलाता है जो वर्षा का जल भविष्य के लिए इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, जल संग्रहण कहलाता है। देखिएगा जैसे आप यहाँ वर्षा के जल को भविष्य के उपयोग के लिए इकट्ठा करना ही वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है, जो भविष्य के लिए करना, क्योंकि वर्षा धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो क्षेत्र जैसे आप देखेंगे राजस्थान हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, मेघालय के चेरापुर जिसे मासीराम कहा जाता है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, उससे जो उस मेघालय राज्य से 55 किलोमीटर दूर जाने पर वहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होता है पूर्वी क्षेत्रों में, तो वहां से आप ये देखेंगे कि इसी कारण जो है सरकार या भारत सरकार जो है जल संग्रहण करके क्या किया जाता है, जल की पूर्ति कर सकती है। तो ये देखिएगा, तो यह वर्षा जल के दो रूप होते हैं, क्या होते हैं, वर्षा जल के दो रूप होते हैं। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट रूल है, जो प्रथम इसका रूप है उसे कहते हैं एक तो धरातल पर एकत्र करना। जैसे आप जैसे देखिएगा ये वर्षा हुई, अब ये धरातल हुआ, अब इसी धरातल पर भाग पर क्या करना, जल को एकत्र करना। ये भी देखना है कि आपके एक मैदानी क्षेत्रों में या धरातल क्षेत्र पर वर्षा जल एकत्र नहीं किया जा सकता जब तक कुएं या खुदाई नहीं करेंगे या तालाब की खुदाई नहीं करेंगे, कुएं की खुदाई नहीं करेंगे, तब तक जल को एकत्र नहीं किया जा सकेगा। तो इसे कहा जाता है, पहला है धरातल पर एकत्र करना, दूसरा है धरातल के नीचे भूजल का पुनः भरण करना। जैसे ये अगर जल को हम क्या करते हैं, कुएं या तालाबों की खुदाई करके उसमें जल को एकत्र करना, और या भूजल को क्या करना, भूमि के अर्थात पुनः भू नीचे अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूजल का पुनः क्या करना, भरण कर देना ही क्या कहलाता है। ये इसके क्या हुए, जल संग्रहण के दो रूप हो गए। देखिएगा बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशी परियोजनाओं से, जैसे बांध बनाकर जो है अभी देखा होगा, अभी आपने अगले हमारे जो इसी चैप्टर में आपने बहुउद्देश नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे दमोदर हो गया, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना हो गया, और इसके दमोदर हो गया, ये सभी हीराकुंड बांध, इसमें आपने इसको बारे में पढ़ा होगा। इसमें देखिएगा कि चलते वर्षा जल संग्रह करना, मतलब कहा कि ये इन परियोजनाओं के द्वारा जल का संग्रह किया गया, तंत्र अर्थात संग्रह तंत्र इनके सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं,
जैसे आप डैम बनाकर सिंचाई करने के योग में बनाकर हीराकुंड बांध परियोजनाएं विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को बनाकर जो है उन क्षेत्रों में क्या की जाती है, आप ज्यादा ज्यादा सिंचाई उपलब्ध की जा सकती है। अब आते हैं, देखिएगा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन कैसे किया जाएगा। देखिएगा इसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ियां हैं, देखा जाए जैसे हिमाचल क्षेत्रों में देखा जाए, आपका दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में देखा जाए और आपके दक्षिण भारत में देखा जाएगा, तो वहां पर ये सभी की क्या की जाती है, सिंचाई कैसे करेंगे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो कहते पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने करगुल, देखिए गगुल अथवा कुल अर्थात पश्चिमी हिमालय। देखिएगा अगर आप भारत का मैप बनाएंगे तो ये देखिएगा, थोड़ा सा छोटा यहां पर बनेगा, ये देखिए ये आपका हिमालय हो गया, ये वाला क्षेत्र जो है हिमालय का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। अगर देखा जाए जो पश्चिम आप हिमालय है, पश्चिमी हिमालय के द्वारा जो है उनकी वाहिकाएं जो है, उनकी वाहिकाएं अर्थात उनकी जो दिशा जो है बदल कर जो है उस क्षेत्र में क्या नदी की धाराओं के द्वारा सिंचाई की जाती है, अर्थात खेत की सिंचाई सुचारू रूप से की जाती है या बनाई गई है, जिसमें जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश में कार्य देखिएगा कुल प्रणाली लागू होती है। ये कहता है कि जम्मू का जो क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे भारत का मैप इस तरह से, ये देखिए ये क्षेत्र आपका जम्मू का क्षेत्र है, तो ये कहते हैं कि इसमें जो जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश में कुल प्रणाली लागू की जाती है, ये देखिएगा जम्मू का क्षेत्र हो गया, ये हिमाचल का क्षेत्र हो गया, यहां पर क्या होता है कुल प्रणाली का, इसमें करक कुल प्रणाली, कुल प्रणाली में सारे यहाँ जो है कहां पर जम्मू के जकरा जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश में कुल का कुल सिंचाई की विधि अपना कर यहाँ क्या की जाती है खेत की सिंचाई की जाती है। कहते हैं आगे पश्चिमी भारत में, जो पश्चिमी भारत है तो देखिएगा जो ये पश्चिमी भारत जो आपका ये वाला क्षेत्र आता है, राजस्थान हो गया, ठीक है गुजरात हो गया, तो ये सभी जो राज्यों में जो होती है सिंचाई की क्या होती, देखिएगा विशेषकर राजस्थान, देखिएगा अभी यहाँ राजस्थान हो गया, राजस्थान विशेष, राजस्थान में पानी का जल एकत्र करने के लिए हम क्या करते हैं करछत वर्षा संग्रह का तरीका अपनाते हैं। जैसे देखिएगा अगर ये क्षेत्र आपका ये देखिएगा एक छत है, ये अगर देखा जाए तो राजस्थान वाले क्षेत्र में मतलब राजस्थान राज्य में ऐसा छत बनाकर क्या किया जाता है वर्षा जल को एकत्र करके सिंचाई में उपयोग में लाया जाता है। यही प्रक्रिया जो होती आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होती, जो कानूनन एक विशेष अधिकार रूप में मनाया जाता है, अगर इसका उपयोग सरकार या ग्रामीण या वहां की जनता नहीं करती है, जल को एकत्र नहीं करती अपने छतों के घर के ऊपर, तो उसे कानूनन विशेष अधिकार के रूप में उसे दंडित किया जाता है। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी विशेष का राजस्थान वाले करा पश्चिमी, ये देखेगा ये भारत का जो राजस्थान है एक राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर पानी का जल इकट्ठा करने के लिए छत वर्षा संग्रहण किया जाता है। तो जो वर्षा होती है उस छत के द्वारा जो होती पश्चिमी राजस्थान में जल का संग्रहण किया जाता है। आते हैं देखेगा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र क्या होता है, देखेगा शुष्क क्षेत्र वहां होता है जहां कम वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क किसे कहते हैं जिसमें मतलब शुष्क भाग के
जो बाहरी क्षेत्र होते जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है, जहां कम वर्षा होती है, था मरुस्थली क्षेत्र होता है, लेकिन उसके जो बीच मतलब जहां पर वर्षा कम हो और उसके जो बाहरी क्षेत्र जो है वो अर्ध शुष्क कहलाता है, मतलब अर्ध शुष्क कहलाता है। जो शुष्क के बाहरी क्षेत्र होते हैं, उसके बाहरी आवरण होते हैं, वो क्या होता है आपका अर्ध शुष्क होता है। ऐसा क्यों अर्ध शुष्क उसे कहते हैं, जितना अधिक आपका जल का वाष्पीकरण होगा उससे कम मात्रा में वर्षा होती है, उसी को अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और शुष्क जहां पर वर्षा कम होती है, जहां पर जो है सूखा क्षेत्र होता है, मतलब कम वर्षा होती है लेकिन सूखा क्षेत्र होता है, वो आपका क्षेत्र क्या कहलाता है आपका शुष्क प्रदेश कहा जाता है। देखते हैं, देखिएगा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जहां पर शुष्क क्षेत्र है और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्र किया जाता है। जो है जैसे आप देखेंगे राजस्थान वाले जैसलमेर क्षेत्रों में जो है यहाँ शुष्क क्षेत्र है, लेकिन वर्षा जल को क्या किया जाता है खेतों में एकत्र किया जाता है। देखिएगा जिसे खेतों में या खेत में गड्ढे बनाकर जो है उस जल को संग्रहण किया जाता है, जिससे वहां की मृदा अर्थात खेत की सिंचाई क्या की जाती है आसानी पूर्वक से की जाती है, अर्थात वह क्षेत्र जो होता है वह खेत के सिंचित क्षेत्र के रूप में रख दिया जाता है जल को। अब आते देखिएगा जैसे राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादिन, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले जैसे खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के उदाहरण है। अगर आप चले जाएंगे राजस्थान के जो है खादिन एवं जोहड़ के क्षेत्रों में, तो इसके क्षेत्र ये मिलते हैं जिसमें जल का संग्रहण किया जाता है, कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र होता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, जहां पर क्या किया जाए खादिन तथा जोहर के रूप में जल को एकत्र करके खेत की सिंचाई की जाती है। अब आते देखिएगा अब पश्चिम बंगाल में अगर आप चले, अब ये उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए ये वाला क्षेत्र जो है, अगर भारत के क्षेत्र में चले तो ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये देखिएगा ये आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल ये देखिएगा बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल इधर क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिनियां बनाते हैं। तो अगर बंगाल के पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में देखा जाता है तो वहां पर जल को जो संग्रह करने के लिए एक वाहिनियां बनाई जाती है। वाहिनियां मीन्स माने जैसे एक नाली जैसे संरचना बनाकर जो होती है, वे कहाँ करा पश्चिमी जो है आपके जो है बंगाल की बात करा, पश्चिम बंगाल में जल का जो है संग्रहण करके जो है वहां खेतों की सिंचाई जो है एक वाहिनिकाओं के द्वारा की जाती है। जैसे यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान को अपने खेतों की सिंचाई के लिए आप जल का वाहिकाएं बनाते हैं, वाहिकाएं मिसाल है जिससे नाली के रूप में वाहिकाएं बना बना कर क्या की जाती है सिंचाई की जाती है। आते हैं कुछ विशेष राज्य हैं जो ये भी इम्पोर्टेंट हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, तो उस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चलते हैं तो वो क्षेत्र में भारत के देखा जाता है, तो यहां पर देखिएगा ये क्षेत्र आपका तमिलनाडु है। अब ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या की जाती है ये वाला क्षेत्र जो आपका तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में अर्थात राज्य में भारत देश के तमिलनाडु राज्य में ये कानूनन अधिकार है। देखिएगा तमिलनाडु देश का एक ऐसा राज्य है, जो तमिलनाडु है देश का हमारे भारत के एक ऐसा राज्य है जिसे जहां पूरे राज्य में हर वर्ष छत वर्षा, देखिएगा छत वर्षा जल
संग्रहण ढांचे का निर्माण किया था, एक ढांचा बनाया गया। छत एक ऐसा जो जल संग्रहण करने के लिए एक ढांचा बनाया गया है, उस ढांचे के में जो जल का वर्षा जल होता है उसे क्या किया जाता है, एक आवरण के रूप में बनाकर उससे जल को संग्रहण किया जाता। अगर ऐसा तमिलनाडु के वासियों, वहां के जो ग्रामीण या नगरी के लोग अगर जल का संग्रह नहीं करते हैं या जल का संग्रहण करने के लिए छत का निर्माण नहीं करते हैं इस प्रकार से जिससे जल का संग्रहण किया जाए, तो उसे क्या किया जाता, ऐसे दोषी व्यक्ति को क्या किया जाता, कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। या आप इसमें देखिएगा, जैसे कुछ उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे देखिएगा एक छत है, ये वर्षा हुई, वर्षा के द्वारा क्या किया जाता है, जल को एकत्र कर लिया जाता है, ठीक है, जल को एकत्र कर लिया जाता है और इसी एकत्र को जल को क्या किया जाता है, नाली के द्वारा जो होते हैं आप जल को उपयोग कर सकते हैं, पीने के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, पीने के रूप में उपयोग में ला जा सकते हैं। और इसी के द्वारा कुछ ये देखेगा टंकी लगी हुई है या अर्थात नल लगा हुआ है, इसके द्वारा जल को क्या किया जाता है, इसके छत पे एकत्र कर लिया जाता है और छत पे एकत्र करने के बाद इसे जल को क्या किया जाता है, पानी के रूप में अर्थात पीने को उपयोग में लाया जाता है और इसे सिंचाई करने के लिए यहाँ पर देखिए नालों के द्वारा इत्यादि किया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है। ये तमिलनाडु वाला के जो तमिलनाडु का जो हमारा राज्य है उसी राज्य भारत का उसी में जल संग्रहण किया जाता है जी, ऐसी तकनीक बनाकर क्या की जाती है, जल का संग्रहण किया जाता है। आते देखिएगा जो मेघालय जो है वो शिलांग, क्या आते मेघालय की राजधानी जो शिलांग है, जो जिसे आप कहते हैं मासीराम, जो सभी मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो हमारा राज्य है, तो वहां पर उससे जो है मेघालय था शिलांग था, जो मेघालय की राजधानी शिलांग से जो है 55 किलोमीटर दूर, अर्थात क्या है 55 किलोमीटर दूर एक चेरापूंजी, अर्थात चेरापूंजी और मासीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्या है, लेकिन कहते हैं जो आप चेरापूंजी है और क्या है मासीराम जो सर्वाधिक आपके पूरे भारत की बात की जाए, अर्थात ये कह लिया जाए पूरे जो है विश्व की, भारत ही आपके अलावा पूरे विश्व की बात की जाए कि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन वहां पर अगर मेघालय की राजधानी जो देखा जाए शिलांग से जो है 55 किलोमीटर हम दूर जाते हैं, क्या कहते हैं दूर जाते हैं, तो वहां क्या है लगभग आपके 15-25% क्या होती है वर्षा होती है। मेघालय अर्थात शिलांग की राजधानी से हम 55 किलोमीटर दूर जाते हैं तो क्या है हमें केवल 15-25 सेंटीमीटर या प्रतिशत वर्षा होती है, जहां पर क्या है वर्षा की कमी, वहां पर भी छत के द्वारा जो होती है क्या किया जाता है जल को एकत्र करके जो है संग्रहण करके जल का उपयोग लाया जाता है। तो ये सभी आज ये आपके जल संग्रहण किसे कहते हैं, क्यों ये जल संग्रहण एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जल मतलब भाग होता है जिसे हम पीने या उसका उपयोग करने करके जो है हम सिंचाई सुविधा और का जल का स्तर बनाए रखेंगे और इसी का सभी को उपयोग ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी जल की कमी ना हो और ज्यादा ज्यादा जल को क्या डिस्ट्रॉय अर्थात खत्म नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, जितना उपयोग रहे काम के उतना ही उपयोग करें, अन्यथा ऐसा खुले या अनावश्यक जल खर्चा ना करें और जिससे जो है हमारे जो है जल का बचाव किया जा सके। तो आज ये आपका समाप्त हुआ जो है आपके जल संग्रहण। अब हम अगले दिन जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारी कृषि, क्या रहेगी कृषि अर्थात ये फोर लेसन है, इसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर अर्थात कृषि का अध्ययन करेंगे। थैंक्स गाइस।